कोविड-19 की महामारी में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर आज मंडी में सियासी सामाजिक लोगों ने अलग अलग गांव के लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक किया और लोगों से ये अपील की है कि वो मास्क पहने, अपने घरों से कम बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सरकार की ओर से जारी SOPs का पालन करें। और जानकारी के लिए देखते हैं मंडी से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। इस वजह सारे भी जाते हैं, अपने आप को भी बचाना है, अपने ग्राम को भी बचाना है। अगर बाजार जाते हैं तो आदमी ना हाथ में ला के आते हैं, ग्राम ही काम करते हैं तो फिर ना और बीमारी कर, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस में घरों नहीं निकलना, घरों निकल कर हाथ में आना है, घरों कहाँ पर बीमारी के बाद अपने आप को भी बचाना है, अपने ग्राम को भी बचाना है। कोरोना वायरस बीमारी में पता चलिए तो भी ना फैल रही है, ठीक है, घरों निकलना नहीं निकले अगर मास्क पहन कर अपने काफ़ी जो है तेजी में ख्याल रहे हैं, जरूरी अपने आप के लिए बचाना, अपने परिवार के लिए बचाना, अपने ग्राम के लिए। और इस वबा में सबसे बेहतरीन हिदायत यही है कि हर आदमी को मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी बना के रखनी है, जो चीज़ों को दूर रहना है। और जब कोई वबा पैदा हो जाए तो उस वक्त जान बचाने के लिए एहतियात कर लिए एहतियात कर लीजिए। कोरोना वायरस की बीमारी जो है काफ़ी तेज़ी से चल रही है, आप सबको पता है जब भी आप घर से निकलोगे मास्क पहन के और सैनिटाइजर का जो है इस्तेमाल करके निकलें, क्योंकि बाजार और भीड़ भाड़ में आपको कम जाना है। इस वक्त जो है बीमारी जो है काफ़ी तेज़ी अरूज पे चल रही है, इसलिए मेरे परिवार को और अपनी पंचायत और अपने गाँव को बचाना, तब बचा सकते हैं कि तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल करना और अपने आप में जो है इस पर इतने बड़ी वैक्सीन की तरफ जाए। और अपने घर वालों को भी बार बार हाथ धोने की तलकीन और मास्क पहनने की जो है तरकीन करें। इस मीडिया का आपका तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि आप हमारे गांव में भी तशरीफ़ लाए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने पूछा गया कि शहरों के अंदर काफ़ी इंतजाम हैं, मैं समझता हूँ कि गांव के अंदर इसमें कम अवेयर है लोगों को, लेकिन हम भी अपनी हुकूमत के नुमाइंदे होने की बासियत सरपंच होने के ज़रिए हम ये आवाम से जो है तलकीन करते हैं। आज का दिन भी हमने पूरा लगाया और अक्सर भी हम गाँव वार्ड में जाकर हमने मीटिंग की है कि जो है इस वक्त जो बीमारी काफ़ी अरूज पर है, इसमें इससे हमें बचने के लिए जो भी सरकार की तरफ से तदाबीर की गई हैं उस पर हमें पैरा अमल करना है। और उस पर हमें जो है ख़ास तौर पे जो हमें जो है बाज़ार के अंदर, क्योंकि हमारा गांव जो बहुत बड़ा है इसमें हमारे दफातर जो है मंडी के अंदर हैं, पुंछ के अंदर जाना पड़ता है, उसमें आवाम से मेरी गुजारिश होगी कि हमने ये अवेयर किया लोगों को कि बाज़ार की तरफ कम जाना है, अगर कोई चीज़ खरीदो फरोख्त भी करनी है, दफ्तरी काम भी है, तो उसमें कम से कम वक्त लगाकर और अपने पूरे SOPs का ख्याल रखते हुए बाज़ार की तरफ जाए और अपना काम करके घर में आए। और पूरा इंतजाम जो है इंशाल्लाह यहाँ भी हम मुतारक रखेंगे, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे जो गांव के अंदर हैं जितनी फैसिलिटी सिटी के अंदर होती हैं उतनी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम फिर भी लोगों का अवेयर कर रहे हैं, लोग इसे महसूस कर रहे हैं और डर खौफ भी है लोगों के अंदर कि हम इस बीमारी को मुकाबला। आपका क्या पैगाम रहेगा लोगों तक? मेरी यही गुजारिश होगी, दर्दमंदाना गुजारिश होगी कि अपने आप को अपने गाँव को तभी हम बचा सकते हैं जब हम एहतियात करेंगे। अगर एहतियात नहीं करेंगे, इसको लापरवाही समझेंगे, तो फिर हमारे गाँव का जो है बचना, हमारे लोगों का बचना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरी आवाम से गुजारिश होगी आपकी मीडिया के जरिए से कि अपने आप को जो है पूरा SOPs का ख्याल रखते हुए अपने घरों में रहें और अपनी सेफ्टी घर ही में है काम तक पहुंचाते हो। रही बात कोरोना वबा की, पिछले 2 सालों से ये वबा जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है और इस वक्त जो है इसका जो तीसरी लहर हिंदुस्तान में है और आप देख रहे हैं कि हर दिन 3.5 लाख से ऊपर जो केसेस आ रहे हैं वो मैज ये वजह बनी है उसकी कि लोगों ने एहतियात नहीं किया, लोगों ने मास्क नहीं लगाया, लोगों ने हजूम में जाना बंद नहीं किया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है उसकी जो सज़ा है वो हिंदुस्तान भुगत रहा है और हर रोज़ 4,000-5,000 के करीब जो है वो लुकमाए अजल हो रहे हैं, मर रहे हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त भी शहरों में बहुत ज़्यादा हजूम जो हैं वो लोग कर रहे हैं। हम तो एज ए पंचायत रिप्रेजेंटेटिव या गांव के नुमाइंदे होने के नाते से गांव के लोगों को ये समझाते हैं हर वक्त
दिन हो रात हो जहां भी कोई भी प्लेटफार्म हो, लोगों को हम ये कहते हैं कि सरकार की का मकसद है कि लोगों को अवेयरनेस करना, लॉकडाउन लगाना या लोगों के लिए फैसिलिटीज़ करना, लेकिन सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं हम जो मौजीन हैं, हम जो इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग हैं, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इस वबा के वक्त हम लोगों को अच्छी जो है वो अवेयरनेस दें और उनको अच्छी बात बताएं। हम लोगों को यही कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे आवाम से, जैसा कि हमारा ये गाँव है, 3 पंचायतों पे मुश्तमल गाँव है, 17-18-20 हज़ार की आबादी है, लोगों को अपने घरों के मामलात की वजह से बाज़ार का रुख करना पड़ता है। लेकिन मैं गुजारिश आवाम से ये करूँगा कि जैसा कि पहले हमारे 2 आदमी भी बाज़ार चले जाते थे, घर के 3 भी चले जाते थे, कोशिश की जाए कि 1 ही आदमी जाए। अगर बहुत इसी वजह से तो आज हम इसके तीसरी लहर की शिद्दत महसूस कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जब हमारे अंदर से ये खौफ निकल गया और कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने भी बीच में जो 7-8-10 महीने गुजरे उनमें, उन 10 महीनों के अंदर जो इलेक्शंस विगल बजा दिए काफ़ी सारी रियासतों में, और कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज अवाम के पास चला गया।